यहाँ से पता नहीं हमें दोस्तों कहाँ जाना है, बिकॉज डिसाइड कर रहा है यही आगे वाला ही जो हमारा लीडर है अपना। मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से कहाँ निकलते हैं। शायद ये दोस्तों मतलब मेन मनाली जाना होगा ना तब करके, और नीचे से हाईवे अपना पूरा हाईवे आपको पता ही कैसे होते हैं। आज बढ़ी जाएंगे घूम फिर के अगर आए हैं मनाली। अच्छी, मेरे को बस ब्रेकों की डर लग रही है, इसमें ब्रेकें है ही नहीं पूरी लगी है, तब तक लग रहा है कि जैसे मनाली अपने मतलब घर घरों में पहुंच गया यार। अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है बिकॉज यार दोस्तों 2-2.5 साल रुड़े हुए इन जगहों में, तो मतलब एक अपनापन सा आता है ना यार, वो आ रहा है दोस्तों। बिकॉज 2-2.5 साल कोई माली बात नहीं होती यार, जॉब भी की है, पैसा भी कमाया है और अब काम भी सीखा है। जिस टाइम ट्रेनिंग टाइम में थे, हम ट्रेनिंग टाइम हम पहले बद्दी में थे, वहाँ हमारा चला नहीं ठीक तो हम फिर यहाँ आ गए थे। मतलब है बराबर यार मेरा, और ये दोस्तों मतलब क्या ही बोलूँ मैं दोस्तों, ये मनाली का मतलब मार्केट के साथ वाला रोड, तो इसमें तभी करके थोड़ा क्राउड है, तंग भी है बिकॉज आप देख ही सकते हो हमें सामने की हालत। और थॉटल मारना तो हमारी आदत ही है, चाहे अपनी बाइक हो चाहे औरों की हो, बिकॉज आई एम लकी। और देख सकते हो ये मतलब मेन रोड, वाह 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 जी वाह। दोस्तों गलत मत समझना, मैं मार्केट के लिए बोल रहा हूँ वाह जी वाह। और देख ही सकते हो आप यार, वाह कैसे ना बोलूँ, क्या इस साइड फॉरेस्ट है पूरा, इस साइड बाइक फॉर रेंट और इस साइड ये बाइकें, और तो समझ ही रहे हो आप। वैसे मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत समझदार है, क्या बात होगी। और ये देखो कैसा लग रहा है हमारी धनों को चलाते हुए। दोस्तों ये प्रॉपर मनाली का माल रोड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने, ये साइड को माल रोड और ये हमारा माल रोड के साथ वाला टोल, और ये यहाँ पे ऑटो स्टैंड सारा, और ये देख सकते हो आप बाबा फुल ऑन। बिकॉज हमारे पास ब्रेक के मतलब ठीक है, इस हिसाब से रखी बंदे ने, अपने हिसाब से रखी जिसकी बाइक है, मेरे लिए थोड़ी कम लग रही है बिकॉज मैंने अपनी ढीली बाइक आए हो रखी ना, मतलब एक टाइम लग जाता है कि लगी जाती है अगर दोनों ब्रेकें आराम से मारो। बाबा न्यूट्रल में तो मैं इसको चला ही नहीं सकता हूँ, चल क्या बात होगी, दो दो ब्रेक है, दो में से एक तो लगी जाएगी टाइमली, क्या बात होगी। अब देखना मैं आपको बताता हूँ, दोस्त ना मुझे बोल देगा कि यहाँ से रास्ता है, मुझे पता है ना अपने दोस्त दोस्त होते हैं। देखना ये मुझे इशारा, कुछ तो इशारा करेगा कि रोड यहाँ से है। देखना मेरे को था ना दोस्ती वाला खास दोस्त, वो ये हैं लंगोटी साले चूती है जिन्होंने जीना सिखाया मुझे। पहले मैं दोस्तों मतलब बहुत भोंदू सा बंदा था यार, सच्ची बात बोलूं। तो दोस्तों आज हम अपनी वो वाली कला दिखाई देते हैं जो हम शिमला में करते थे ना, देखो तो नहीं गेंद, वो बना दे वो सांप, बना दे वो सांप, वो यहाँ पे काम आएगा वो टैलेंट। मेरे पास थोड़ी बस ब्रेक का मेरा हुआ सांप तो मैं बना ही नहीं इसका। अब थोड़ा तो ट्रैफिक कम हो गया वहाँ, मैं तभी दोस्त से आगे निकला बिकॉज ट्रैफिक में सांप बनाने का मोटा ही मजा है बाबा। और ये दोस्तों ये है वो गली जहाँ हम अपने टाइम स्पेंड किया करते थे, जैसे एक होता है ना पीसफुल प्लेस, वो हमारे लिए उस टाइम ये था और आज भी हो है, आज भी है पीसफुल प्लेस, पर आज
अब हमारे लिए हैरान ही ना, बिकॉज अब तो यार वो जगह कहाँ रहती है यार। देखना दोस्त बोलेगा यार कि नहीं, तुझे पता भी है कहाँ है अपना अलीगढ़ ग्रैंड। और यहाँ पे आता है अब एक पेट्रोल पंप और उसके साथ ब्रिज, छोटा सा बड़ा सा निन्नेशे मिन्नेशे। पेट्रोल पंप तो आ गया, ब्रिज भी आता ही हो रही। यार दोस्त तो दोस्तों ये दोस्तों वो जगह जहाँ पे हम कि एक जमाने में अपना मतलब घर समझ, जैसे एक आंगन ही होता है घर का, आंगन समझ के निकलते थे। इस जगह का नाम है दोस्तों बांग। मुझे ना यहाँ पे एक वो पसंद थी, वो समझ रहे हो ना, हाँ बस वही पसंद थी। उसको आपको उसकी शॉप बता देता हूँ, अब मुझे एग्जैक्ट भी याद नहीं है, शायद ऊपर वाली मार्केट में है। हाँ वो ये देखो यार, मतलब यहाँ हम इतने घूमे नहीं गलियों में, बाबा फुल ऑन होता ना यार। एक जॉब के साथ साथ बंदा, हम मिडिल क्लास बंदे हैं, मतलब आपको पता है ऐसे तो घूम नहीं सकते नहीं, तो जॉब कर करके एक हर एक जगह घूम रहे हैं। तो जहाँ हमें लगता है कि हमारे यहाँ हमारी सैलरी भी ठीक हो जाएगी तो वहीं पे जॉब करते हैं। और ये देख सकते हैं, मतलब यहाँ ही हम इस जगह में बैठा करते थे अक्सर दिन या रात। वो ऊपर देख सकते हो आप रोहतांग पास में क्या धूल लगी है यार। और ये दोस्तों मतलब अपना वो और ये दोस्तों वो अलीगढ़ ग्रैंड है जहाँ की हम किसी जमाने में जॉब किया करते थे, बड़ा अच्छा लग रहा है जाके। दोस्तों ये चल पड़े हम रोहतांग के लिए, पहुँचने वाले हैं। मेरी देख सकते हो आप यहाँ का चुके हैं हम अटल टनल के पास। बाबा ये हो रही हमारी एंट्री है, तो यहाँ से हमने एंट्री वगैरह लेके अब ये चल पड़े हैं टनल के अंदर।
पहुंच चुके हूँ काफी लाख करोड़ वर्ष बाद एक नई दुनिया में। दोस्तों इस चीज के लिए हम यहाँ पहुंचे, देख सकते हो आप, बाबा एक अलग ही दुनिया में आ गए हम बाबा। ये देख सकते हो आप अटल टनल बाबा, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हाय 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 हाय, यहीं रुकना, यहीं रुकना। ये देख सकते हो पीछे बर्फ है और हम इस हालत में है दोस्तों। ये बाबा जो ये खुशी है ना, अलग ही एक नेक्स्ट लेवल की। ये देख सकते हो आप पीछे, हा हा हा। दोस्तों ये व्यू देखो बाबा, हा गंदगी ना फैलाए। ये देख सकते हो बहन, हर एक यहाँ एक मेरी तरह पागल कोई नहीं होगा आज बिना वो के। ये देख सकते हो आप ऊपर की पहाड़ी। मैंने सुना है दोस्तों, अगर ये जब ये टनल नहीं थी तो पूरा एक दिन लगता था इस साइड आने को। और ये देख सकते हो ऊपर का व्यू बाबा, फुल लॉन। अब हम फोटो शूट निकाल देते हैं, मोटे वाले फोटो शूट करने हैं, मतलब साल दो साल के एक साथ।